कैसे करें सुरक्षा आलू की झुलसा से। आलू की खेती आमतौर पर उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी भारत में की जाती है। आलू की फसल की मुख्य बीमारियों में अगेती व पछेती झुलसा काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है। ये बीमारियां फफूंदी से होती हैं। अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलनाई से होती है और पछेती झुलसा फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस के कारण होती है। इन फफूंदियों को फसल पर प्रभावी होने के लिए मौसम की अनुकूलता निर्भर करती है। फफूंदी को अपनी वृद्धि करने के लिए अधिक आर्द्रता, कोहरा आदि मौसम अनुकूल होते हैं। इनसे निजात पाने के उपाय। दोनों प्रकार के फफूंदी जनित रोगों के लिए मौसम के हिसाब से समय समय पर मैनकोजेब बाविस्टीन का स्प्रे करना चाहिए। मैनकोजेब का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाना चाहिए और बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाना चाहिए। आलू में पछेती झुलसा से रोकथाम के लिए एजॉक्सीट्रोबिन 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। आलू के बीज को बोने से पहले कैप्टान जिनाब से उपचारित करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। पछेती झुलसा के लिए डाइमेथोमार्फ की 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 750 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। अगेती झुलसा के लिए कीटाजिन 200 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में स्प्रे करें। अगेती व पछेती झुलसा के लिए प्रोपेनैप की 300 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में स्प्रे करें।